ये विरासत है भारत की, ये विरासत है यहाँ के लोगों की, ये विरासत है बहुजनों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी अंबेडकर पार्क की। आप देख सकते हैं ये जो तमाम मूर्तियाँ हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे अंबेडकर पार्क के हैं, लखनऊ के अंबेडकर पार्क के। इस अंबेडकर पार्क को मायावती ने ही बनवाया था। इस अंबेडकर पार्क को लेकर काफ़ी विवाद भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मूर्तियाँ हैं, इसको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ये हमारे कल्चर को दिखाता है, ये बहुजन समाज पार्टी के सिंबल्स को दिखाता है, ये हाथी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल्स को दिखाते हैं। साथ ही साथ बाबा साहब की ये प्रतिमा जो मुख्य द्वार के ठीक सामने लगी हुई है, ये बहुजनों को और पूरे देश को ये बोध कराती है कि बाबा साहब ने बहुजनों के लिए और पूरे देश के लिए क्या कुछ किया है। साथ ही साथ बाबा साहब के समर्पण को, बाबा साहब के बलिदान को ये याद रखने के लिए भी बेहद सटीक है। ये वही अंबेडकर पार्क है जहां पर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। मायावती से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव तक ने यहां पे सभाएं की हैं। यहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, तमाम लोग यहां पर आते हैं। बहुजन समाज इसको एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस की तरह देखता है। यहां पर वो लोग टूरिज्म मनाने आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं, तमाम लोग आते हैं, किसी भी समाज के हों, पूरे देश से, पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, अंबेडकर पार्क को घूमते हैं और अच्छी रेटिंग देके यहाँ से जाते हैं। ताजमहल के बाद अंबेडकर पार्क दूसरा स्थान है जहाँ पर जो भारत को सरकारी खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा देता है। ये जो तमाम नज़ारा देख रहे हैं आप मेरे आगे से लेकर पीछे तक, मैं चाहूँगा आप कैमरे को इधर उधर कर लें और ये आप दिखाएं कि ये जो तमाम नज़ारे हैं, एकदम सुंदर नज़ारे हैं, बहुत अच्छा ये नज़ारा है। ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क का है। इस अंबेडकर मेमोरियल पार्क की स्थापना 2008 में हुई थी और लगभग 14 साल से ये अंबेडकर पार्क भारतीय खजाने में टैक्स दे रहा है और भारतीय खजाने में यहाँ का पैसा जा रहा है। मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर पार्क बनवा के मायावती ने फिजूल का खर्चा किया है, करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ताजमहल के बाद अंबेडकर पार्क ही एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो सरकारी खजाने में सबसे ज़्यादा पैसे देता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फिजूल में पैसे खर्च हुए हैं तो आप गलत कह रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। ये जो तमाम सीढ़ियाँ देख रहे हैं और ये जो सीढ़ियाँ जहाँ पर जा रही हैं ऊपर, वहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग गाने बजा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तमाम लोग घूम रहे हैं, यहाँ का सुंदर नज़ारा ले रहे हैं, गोमती नदी जाती है पास से, उसका नज़ारा ले रहे हैं। तो समझ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। लोग यहाँ पे आते हैं, टिकट खरीदते हैं, उस पैसे से यहाँ की मरम्मत होती है, साथ ही साथ वो पैसे सरकारी खजाने में जाते हैं। और इस पूरे अंबेडकर पार्क पर और मायावती के इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अर्नव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।